today. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया मा कृषि भवे। सर्वप्रथम मैं अपने स्वर्गीय डॉक्टर कालकेश्वर भाई जी को हृदय से नमन करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आशीर्वाद से आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित हो पाया हूँ। उसके बाद चतरा के इतिहास को बताने वाले, इतिहास में जीवन बिताने वाले उस परम हुतात्मा महात्मा आत्मा का डॉक्टर इसहाक आलम सर का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ, जिनके इनका भी हमारे ऊपर कुछ न कुछ प्रेरणा कही रही थी और हमेशा रहते रही थी, जिनके कारण आज यहाँ पर। अब मैं इस सभा के सभाध्यक्ष श्रीमान नंद प्रोफेसर नंद किशोर जी का हमारे साथ बैठे हैं और हमारे हाई स्कूल के प्राचार्य श्रीमान सतीश जी का और समस्त प्रबुद्ध इस हिंदी के ज्ञान को अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने वाले समस्त हमारे साइड में जो विद्वान लोग बुद्धिमान लोग बैठे हैं उनको भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और इस सभा का जो पुरेता है, जो संचालक है हमारे विकास जी, और इस सभा को पूरा ऑर्गेनाइज करने वाले जो अपने अथक प्रयास से इस ग्रुप को देने वाले हमारे गोपाल जी भाई और छोटे भाई मृत्युंजय जी, इस समस्त लोगों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और सभी का जो फूल का बाग रूप में है पीछे बैठे हुए छात्र एवं छात्रा, अभी मैं सुनता रहा बहुत देर से, कभी काफी विद्वानों ने अपना विचार प्रकट किया। भाषा शब्द कई बार, और हमारे तो परिचय ही पहले नंबर दे दिया कि योग टीचर ग्रुप में, तो योग तो करो योग रहो निरोग बात आती है और संपूर्ण कार्य का संचालन निरोग रहने के बाद ही हो पाता है। जब तक हम निरोग नहीं रहेंगे तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, तो इसीलिए करो योग और रहो निरोग। तो योग के प्रति भी बात जब कहे कही गई तो इसलिए मैं थोड़ा सा रख दिया। इससे पूर्व मैं संस्कृत का छात्र भी रहा और संस्कृत के शिक्षक भी हूँ, ये तो योग तो बाद में आया मेरे साथ, लेकिन ऐसी बात नहीं, बाद में ऐसा नहीं, मैं गुरुकुल में हमारी पढ़ाई लिखाई गुरुकुल में हुई थी, गुरुकुली शिक्षा मेरा मेरे पिताजी ने 84 में ही गुरुकुल कांगड़ी में भेज दिया था, तो तब से ही मैं योग से जुड़ा रहा। उसके बाद फिर इधर ये बाबा रामदेव जी के यहाँ भी 1 महीने के विशेष ट्रेनिंग में भेजा गया, तो पूर्णकालिक योग शिक्षा के रूप में भी मुझे वहाँ से तब दिया गया यहाँ पर आकर के करने का, तो इस तरह से मैं योग से भी जुड़ा हूँ अभी भी। इसके लिए भी आप लोगों ने जानकारी दिया और हमको इस रूप में देखते हैं, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। छात्रों के प्रति मैं अपना बात कहना चाहता हूँ, संस्कृत में एक श्लोक है, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूमिभारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति
मृगाश्चरन्ति। छात्रों, आपने बहुत से बातों को सुना, मनन किया है, मनन किया, अपने विचारों को रखा और बात कही जा रही है। आपने कहा कि सर आपने तो बोला ये संस्कृत क्या सर बता दिया, तो मैंने सर से प्रश्न कर, लेकिन यहाँ पर बात आई क्या साहित्य, साहित्य साहित्य शब्द कई बार आप लोगों ने सुना भी। साहित्य है क्या? हिते न सर साहित्यम। देखिए संस्कृत का हम लोग छात्र रहने कारण से इस पर पूरा मन, व्याकरण का ऐसा होता है कि हर एक भाषा को बखिया उधर रख देते हैं, सील देते हैं, टेबल पर अलग रखते हैं। भाषा शब्द क्या है? द्विवचन धातु से बचत वचस परिभाषण शब्द है, जिसके कारण से भाषा शब्द का निर्माण हुआ। तो जिसका कारण उसका अर्थ क्या हुआ? भाषा यह है जो अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों को आप जो कहना चाहते हैं, अपने विचारों को, अपने सिस्टम को दूसरे तक पहुंचाने का एक सिस्टम है, साधन है। साहित्य ने कहे ना, नीति की बात तो सारी बताई गई, हमेशा नहीं कहता हूँ, सारी बात नीति की अच्छी बात बताई गई कि नहीं? कोई बात ऐसी है जो गलत है? हिंदी की रक्षा कैसे करेंगे मालूम है? नहीं मालूम है। वो आप आत्मसात करोगे तब मालूम होगा। आप उसके द्वारा अपने आप को उस पथ पर चलने की कोशिश करोगे तब पता चलेगा। ऐसा नहीं मुझे याद आ रहा है, थोड़ी सी भैया बात आ रही तो मैं बोल दे रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा आपका समय नियम को तोड़ रहा हूँ। मैं गया था बरेली, उत्तर प्रदेश में बरेली जगह है, वहाँ बीएड का एग्जाम देना गया था, तो मुझे पेंसिल से लेना था, तो 85 रुपये